आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हम इसमें देखेंगे कि जो किसी भी बॉन्ड के अंदर मौजूद आयनिक करेक्टर होता है उसका उसकी बॉन्ड एनर्जी पर क्या असर होगा। आयनिक करेक्टर एंड डी बॉन्ड एनर्जी, हम डिफरेंट फैक्टर्स को बेसिकली इस चैप्टर में, इस टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हैं कि कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी को जो है वो इफेक्ट करते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी है क्या दरअसल? बॉन्ड एनर्जी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जाहिर सी बात है कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि उसकी जो बॉन्ड है उसकी ताकत कितनी है, वो कितनी एनर्जी को रेजिस्ट करेगा और कितनी एनर्जी लेके वो टूटेगा। अब इस स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? मैं कहता हूँ जी कि ए सिंगल बॉन्ड ए इज स्ट्रोंगर देन ए सिंगल बॉन्ड बी। तो मुझे किस चीज़ से पता लगा या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इसको स्ट्रोंग बना दिया इसके साथ? तो उन फैक्टर्स को हम जो है वो स्टडी करेंगे, विच आर थ्री बेसिकली। नंबर वन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट और जिसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक भी बेस करेगा, दैट इज़ दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम्स, कि दो एटम्स अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। नंबर टू इज़ द साइजेस ऑफ द एटम्स, कि जो दो एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं उनके साइजेस क्या हैं, कोई छोटा है तो कितना छोटा है एक दूसरे के कंपेरेटिवली, उनके साइजेस क्या हैं। एंड थर्ड वन इज़ द बॉन्ड लेंथ, के बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल मेनली इस चीज़ के ऊपर जो है वो घूमेगा। अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं जी पहला पार्ट, के हमारे पास एक एटम है एच एक्स, जिसके अंदर एक्स इज दी हेलोजेंस। अब हेलोजेंस कौन से हैं? हेलोजेंस आर सेवेंथ ए ग्रुप के मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दीज फोर आर द बेसिक हेलोजेंस जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनके हैलाइड्स के जब हाइड्रोजन हेलोजन के साथ मिलेगी और जनरल कंपाउंड एच एक्स देगी तो उसके अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अमल दखल देखेंगे। अब हमने हेलोजन ही क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि दे आर दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल। अगर आपको अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का याद हो टॉपिक, तो उसमें हमने देखा था कि फ्लोरीन इज़ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, 4.0। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है एच एक्स टाइप का जो है वो है कंपाउंड। अब जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो जो शेयर्ड पेयर होगा, शेयर्ड पेयर विल नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जाहिर सी बात है। और ये पुरानी बात है कि हम इसको डिफरेंट अपने प्रीवियस टॉपिक्स में स्टडी करके आए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही ये है कि शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी। अब शेयर्ड पेयर अगर ये एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा और शेयर्ड पेयर इसकी तरफ झुका होगा। अब जैसे ही ये इसकी तरफ झुकेगा, दिस इज़ एच एंड दिस इज़ एक्स, एक्स इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच, तो ये अब शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इट विल गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ओवरऑल पोलैरिटी विल बी देयर ऑन दी कंपाउंड। अब जैसे ही कंपाउंड के ऊपर आपके पास ओवरऑल पोलैरिटी आई है, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो होगा इससे क्या कि एक तो ये बॉन्ड की अट्रैक्टिव फोर्स थी जो कि शेयर्ड पेयर की वजह से थी,
इसके अंदर क्या ऐड हो गई, इसके अंदर ऐड हो गई ये वाली एडिशनल फोर्स, एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू दी पोलैरिटी जो है वो भी ऐड हो गई। और अब जो बॉन्ड एनर्जी बनेगी इसको तोड़ने के लिए वो इन दोनों का सम होगा। क्यों? इसको आप इस तरह से देखें कि ये एच है, ये एक्स है, और इनके ऊपर मौजूद जो से चार्जेस हैं दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बॉन्ड एनर्जी दो तरह की होगी, एक वो एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी एक्चुअल बॉन्ड, दिस इज दी एक्चुअल बॉन्ड जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दी एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो ऊपर पोल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं उसको भी तो मुझे तोड़ना है, तो उसके लिए मुझे मजीद एनर्जी, एक एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और एक एनर्जी इस वाली अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो अब सिंपल इसको तोड़ने वाली नहीं होगी, अब वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से ये पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर आपकी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ना होता तो ये वाली एनर्जी ना देनी पड़ती, तो सिंपल ये वाली बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती। तो पहला फैक्टर यही हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो सी है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब वो कहता है कि आप जो है आपके पास बुक में टेबल उसने दिया हुआ है, टेबल के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास वो डिफरेंट एनर्जीज जो सा है वो दे रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उस टेबल की, कि मेरे पास जब एक्स है फ्लोरीन और मेरे पास एक्स है आयोडीन, ये दो मेरे पास केसेस हैं। एच एक्स जो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी है जो कि हमने कैलकुलेट की है, जो कि किसकी है, हाइड्रोजन विद दिस एक्स, इस बॉन्ड की जो एनर्जी है, सिर्फ इस बॉन्ड की एनर्जी वो कितनी है एक्स एफ के केस में, दैट इज 293, और एक्स आई के केस में दैट इज 291। और ये कौन सी है, दिस इज द कैलकुलेटेड। अब एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व करने पर हमें वैल्यू मिली, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें ऑब्जर्व करने पर मिली इसी की एच एक्स की, वो थी 567, और अगर मैं आयोडीन वाले केस की बात करूं तो दैट वाज 299। अब इस बॉन्ड की एच एफ की इस बॉन्ड की 293 थी, लेकिन ओवरऑल कितनी आई, 567। उसकी वजह क्या है कि जो एच एफ के केस में ये वाली तो 293 ही थी, लेकिन जो आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से मज़ीद ऐड हुई, उसके ऐड होने की वजह से ये टोटल वैल्यू 567 हो गई, और इनका जो डिफरेंस आया वो था जी 274 और इस केस में 8। तो ये 274 किलो जौल एनर्जी जो है हमारी वो लग रही है इसको तोड़ने के लिए। तो 274 और 293 मिलके 567 बने, मतलब तकरीबन तकरीबन उस बॉन्ड जितनी ही एनर्जी जो है ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज़ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये पोलैरिटी बहुत हाई है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है दिस इज़ दी कैलकुलेटेड एंड दिस वन इज़ दी ऑब्जर्व्ड। सिमिलरली आयोडीन हेलोजिन के अंदर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इसका डिफरेंस बहुत कम है, 8 का है। तो यहाँ से आपके पास कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना ज़्यादा फ़र्क जो है वो डाल सकती है इन दी अमाउंट ऑफ दी बॉन्ड एनर्जी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है चेक करेंगे कि जो आयनिक करैक्टर है, आयनिक करैक्टर का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास पोल्स बनते हैं
तो ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो ऐड होते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये जो करेक्टर आपके बॉन्ड को देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द आयनिक करेक्टर। तो अब हम HCl की एग्जांपल को लेके आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारे पास आयनिक करेक्टर है उसकी वजह से इसकी ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी में कितना जो है वो फ़र्क आता है। अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि वी विल एज्यूम, एजम्पशन हम सबसे पहले करेंगे और एज्यूम ये करेंगे कि आपके पास जो है HCl दैट इज़ नॉट आयनिक, इसके अंदर आयनिक करेक्टर ज़ीरो है। हम ये कहेंगे कि जो शेयर्ड पेयर है वो शेयर्ड पेयर इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम कहेंगे कि जो शेयर्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ झुका हुआ नहीं है। हम ये ज्यूम कर लेते हैं पहला केस, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि HCl के अंदर जो है शेयर्ड पेयर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो HCl की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? और दूसरा केस होगा द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, ये होगी कैलकुलेटेड, सॉरी, दिस वुड बी द अदर वर्ड वुड बी द ऑब्जर्व्ड, कि हमने एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्व की HCl की बॉन्ड एनर्जी वो कितनी होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी को हम यहाँ पे निकालेंगे, इसकी को कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनिक करेक्टर की वजह से बॉन्ड एनर्जी पे क्या फ़र्क आया। तो अब हम पहला केस लेके चलते हैं जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ इक्वली शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है दैट इज इक्वली शेयर्ड। अब हम इक्वली शेयर होने का क्या मतलब है? अगर ये HCl है और ये इसके दरमियान कोई एक दूसरे को नहीं खींच रहा तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी दैट वुड बी इक्वल टू दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड। इन दोनों की जब मैं जमा कर दूंगा तो मेरे पास बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी HCl की। तो अब मुझे पहले फाइंड आउट करना है ये, फिर मुझे फाइंड आउट करना है ये, और एंड में मैं दोनों को जमा करूंगा तो मेरे पास पहले केस की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। ऑल राइट, तो अब हम इसका पहला जो करेक्टर है जिसमें हमने बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच फाइंड करनी है वो फाइंड आउट करेंगे। पहला केस एच टू एच, इसमें क्या होता है जब H प्लस H आपस में मिलके H2 बनाते हैं तो जो डेल्टा H होती है इनकी दैट इज़ -436 किलो जाउल पर मोल। अब -436 किलो जाउल पर मोल का मतलब है कि माइनस इज शोइंग दैट एनर्जी इज़ रिलीज्ड। अब क्या होगा, 436 किलो जाउल का मतलब है कि आपके पास एक एवोगैड्रोज नंबर के मोल्स अगर मौजूद हैं तो उनको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो एक बॉन्ड की एनर्जी कैसे आएगी? एक बॉन्ड की एनर्जी आएगी कि अगर मैं इस 436 को जो है वो डिवाइड कर दूंगा 6.02 × 10⁻³⁻³ से, व्हेन 436 इज डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोज नंबर, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी एक बॉन्ड एनर्जी की, जो एक सिंगल बॉन्ड की आएगी दैट वुड बी दी 72.42 × 10⁻²³ किलो जाउल, और ये माइनस में होगी। अब ये मेरे पास एक बॉन्ड की जो है वो एनर्जी आ गई। अब ये एनर्जी जो है एच टू एच की है तो हमें इसके एक पार्ट की एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब हमने आगे चल के एच सी एल बनाना है तो ये जो कंट्रीब्यूशन एक हाइड्रोजन की है वो कितनी होगी। अब एच एच बॉन्ड में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इक्वली शेयर्ड है, जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें पुरानी ही हैं। अगर आप रिकॉल करें अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, उनमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो आपके सेम इलेक्ट्रॉन सेम एटम्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होने की वजह से उनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर
जो शेयर हुआ होता है दैट रिमेन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस केस में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब क्या है कि जो सिंगल हाइड्रोजन की एनर्जी होगी दैट वुड बी दी हाफ ऑफ दिस, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब हम इसका हाफ लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 36.21 × 10⁻²³ किलो जूल। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर दूँ ताकि कैलकुलेशन समझने में आपको आसानी हो जाए। हमने क्या किया, हमने HCl की फाइंड आउट करनी है बॉन्ड एनर्जी, और एज्यूम ये किया है कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इक्वली शेयर्ड है। तो पहले हमें हाइड्रोजन की एनर्जी चाहिए होगी और फिर हम क्लोरीन की फाइंड आउट करेंगे। अब हाइड्रोजन की हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, जब दो हाइड्रोजन मिलती हैं हाइड्रोजन बन एटम मॉलिक्यूल बनता है, इसकी डेल्टा एच इज़ −436 किलो जौल पर मोल। अब हमने यूनिट्स को कन्वर्ट किया, ये एक मोल की एनर्जी है, हमें एक बॉन्ड की एनर्जी चाहिए। एक मोल की एनर्जी का मतलब है 6.02 × 10⁻²। बॉन्ड्स, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 436 को इसके साथ। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास एक बॉन्ड की एनर्जी आ गई। अब ये जो एनर्जी है ये एच एच की है, लेकिन मुझे सिर्फ इसकी चाहिए, तो इसकी मैं हाफ करूंगा तो मेरे पास एक हाइड्रोजन की आ जाएगी। सिमिलरली अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन प्लस क्लोरीन फॉर्म Cl2, और इस केस में जो एनर्जी है दैट इज़ 240 किलो जौल पर मोल। सिमिलरली इस 240 को जब मैं डिवाइड करूँगा 6.02 × 10³ से तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी ए। इस ए का मैं हाफ करूँगा तो मेरे पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि Cl के केस में सिर्फ Cl की वैल्यू मुझे चाहिए थी। उसको जब मैंने हाफ किया और टोटल सारा कैलकुलेशन की तो वो निकली मेरे पास 19.93 × 10³ − 23 किलो जूल, एक सिंगल बॉन्ड की निकल आई। तो अब मेरे पास दोनों निकल आई हैं, तो अब मैं फाइंड आउट कर लूँगा HCl की। तो यहाँ पे मैं फिर अपनी पुरानी एजम्पशन लिखने जा रहा हूँ। एजम्पशन वॉज के HCl के अंदर जो आपका शेयर्ड पेयर है इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर्ड पेयर जो है वो आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का क्या मतलब है कि जितना पार्ट इसका है उतना ही पार्ट इसका है, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को जमा कर दूँगा। इसकी निकली थी मेरे पास 36.21 किलो जूल और × 10⁻²। और इसकी मेरे पास निकली थी 19.93 × 10⁻²³ किलो जूल। अब जब मैं इन दोनों का सम अप करूंगा तो मेरे पास HCl की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 56.14 × 10⁻²³ किलो जूल। दिस इज़ दी वैल्यू फॉर HCl, और एक बॉन्ड की है, लेकिन मुझे अब इसके यूनिट कन्वर्ट करने हैं किलो जूल पर मोल में। तो किलो जूल पर मोल में जब मुझे इनको वो करने हैं तो ये इसके लिए मैं इसको एन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10³। और अब मेरे पास जो यूनिट होंगे वो किलो जौल पर मोल होंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 56 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 337.96 किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारे पास जो के वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी,
HCl की केस वन के हवाले से, जिसमें हमने कंसीडर ये किया था कि आपके पास जो अमाउंट ऑफ इक्वल जो शेयर पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम फाइंड आउट करेंगे अपने केस नंबर टू की तरफ, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एक्सपेरिमेंट से जब मैंने देखी, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया HCl का, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी निकली वो कितनी थी। तो जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैं इसकी देखूंगा तो दैट कम्स आउट टू बी 431 किलो जाउल पर मोल। तो यहाँ से मेरे पास जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि अगर इक्वली शेयर होता मतलब आयनिक करेक्टर ज़ीरो होता, इक्वली शेयर होने का मतलब यही है ना कि आयनिक करेक्टर जो है उसके अंदर पोल्स नहीं बनेंगे, आयनिक करेक्टर ज़ीरो होगा, तो जो वैल्यू थी वो थी 337.96 किलो जाउल। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो असल में हो रहा है उसके अंदर एनर्जी, वो है 431 किलो जाउल पर मोल। तो यहाँ से ये पता चला कि आपके पास जो आयनिक करेक्टर है दैट इफेक्ट्स दी बॉन्ड एनर्जी, और कितना बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करेगी कि आप 431 में से 337 को जो है अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 95। तो ये जो 95 किलो जाउल एनर्जी का इजाफा हमारे सामने देखने में आया है इन दोनों वैल्यूज़ में, जो डिफरेंस है वो 96 किलो जाउल पर मोल का है, 95 किलो जाउल पर मोल, दिस इज़ ड्यू टू दी आयनिक करेक्टर, जिसको हम आज के टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं कि आयनिक करेक्टर बॉन्ड एनर्जी पर कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो ये हमारा पहला फैक्टर था, नंबर वन फैक्टर, कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस और आयनिक करेक्टर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है आपकी बॉन्ड एनर्जी को। अब तीसरा, उसमें अगर आपको याद हो तो एक था बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जो है आपका अगला टॉपिक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है और कैसे चीज़ों को इफेक्ट करती है, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो स्टडी करेंगे। तो आयनिक करेक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी विद दी एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड हमने इस टॉपिक में स्टडी किया।